मध्य प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से सड़कों का हाल बेहाल हो गया है। इसको देखते हुए लोक निर्माण विभाग की वेबसाइट लोकपत के माध्यम से सड़क संबंधी समस्याओं पर काम किया जा रहा है। बारिश के मौसम में भोपाल सहित मध्य प्रदेश के कई शहरों की सड़कें खुद गई हैं। सड़कों पर गड्ढे होने की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसको लेकर लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता आर के मेहरा ने बताया कि शहर में पर्याप्त जल निकासी न होने के कारण डामर की सतह क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसकी वजह से सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग की लोकपत वेबसाइट के माध्यम से सड़क संबंधी 1868 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 1662 शिकायतों पर काम किया जा चुका है, वहीं बची हुई शिकायतों पर काम किया जा रहा है। हम लोग जो है जो ऐसे जहाँ जहाँ कुछ कुछ सड़कों में शिकायत है, इसको हम जो बजरी वगैरह जो निकली है, जो धूल उड़ रही है, जब बारिश थमती है तो धूल उड़ती है, तो उनको सफाई करके और हम लोग उसको एमल्सन की स्प्रे करके और वो डस्ट की समस्या को खत्म कर रहे हैं। वर्षा ऋतु में सड़क खराब होती है पानी की निकासी नहीं होने के कारण, और इसके अलावा और भी कारण है। आप कुछ गुणवत्ता को लेकर के भी इशू हो सकते हैं, तो हमारा डिपार्टमेंट और हमारे कंसल्टेंट नियमित रूप से इसकी जांच करते हैं, और जहां जहां भी खराब सड़कों की शिकायत आएगी, हम जो है जांच करेंगे और संबंधित के खिलाफ स्ट्रांगली हम जो है एक्शन लेंगे। भोपाल परिक्षेत्र में 8 जिले आते हैं, इसमें लगभग 2183 सड़कें हैं और किलोमीटर में 10,700 किलोमीटर है। तो जो हमने सर्वे किया उसमें 142 सड़कें जो खराब पाई गई, खराब मीन्स पॉट होल, जिसकी लंबाई जो है 435 किलोमीटर। तो इसमें से लगभग हमने टोटल लंबाई का जो प्रतिशत 4% होता है, उसमें 80% सड़कें हमने ठीक करा दी है। जो 20% बची उसके लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए, तो 7 दिन के अंदर होगी जितने पॉट होल है वो पूरे कर दी। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।